चलो बच्चों, इस वाले न्यूमेरिकल में देखो, हमें इसमें समझना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या चीज है विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन देम। अगर आप देखो, इमेजिंग करो कि अगर कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इमेजिंग करना कि अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये जो ब्लॉक है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लॉक है, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। फ्रिक्शन जीरो से इंक्रीज होगी और मैक्सिमम तक जाएगी, लिमिटिंग तक, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिटिंग तक जाएगी, तो कभी भी मतलब जो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो तो ऊपर आएगा और फ्रिक्शन पीछे आएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल है और डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे। तो जब कभी भी नॉर्मल और वॉट इवर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, और नॉर्मल और फ्रिक्शन इन दोनों का, ये दोनों एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट है आर इधर जा रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट आर है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो, यहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि ये जो रिजल्टेंट आर है, ये रिजल्टेंट आर और नॉर्मल के बीच का जो ये वाला जो एंगल है, रिजल्टेंट नॉर्मल, ये इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन वह एंगल है जिस जो फ्रिक्शन की वैल्यू डिसाइड करेगा। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगा। अच्छे से समझना यहाँ, ठीक है, कि यहाँ पे देखो, अगर नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स है भाई, नॉर्मल तो फिक्स है, लेकिन फ्रिक्शन कम ज्यादा हो सकता है। कभी फ्रिक्शन इतना लग रहा है तो रिजल्टेंट, हाँ रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा ऐसे कुछ, और कभी अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो यहाँ से, या अब रिजल्टेंट कुछ यहाँ से ऐसे पास होगा, ठीक है, और अगर फ्रिक्शन और भी ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट अब इन दोनों का ट्रायंगल रूल से कुछ यहाँ से पास होगा। ये रिजल्टेंट है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। तो ये जो एंगल है, देख रहे हो, जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा है ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो आप। तो इसलिए ये एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बता रहा है, ज्यादा होगा ये वाला एंगल तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, और लिमिटिंग के केस में ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एंगल ही हमें फ्रिक्शन की इंडिकेशन दे रहा है, दैट्स वाई इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट, और नॉर्मल के साथ बना जो एंगल है उनके बीच का एंगल है, और इसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूँ। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एक्चुअली जो फ्रिक्शन है और नॉर्मल है, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है अप्लाइड बाई द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है वो अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक पे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर पूछा जाता कि नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाई द ग्राउंड या सरफेस ऑन ब्लॉक, तो नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब लिमिटिंग के केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, और नॉर्मल यहाँ कॉमन ले ले सकते हो, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर ये, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ एम जी के इक्वल होगी क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है। तो यहाँ से नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू एम जी 1 प्लस म्यू लिमिटिंग का स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये मैक्सिमम, ये या यूं बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स है जो ये सरफेस लगा सकता है। इससे ज्यादा मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगा सकता, जब कभी भी लगाएगा इससे कम ही लगाएगा। तो चलिए हमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट हमें पॉइंट पे, यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, अब अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ, और ये एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और इसको मैं फाई से डिनोट करता हूँ, और इसके बाद अभी भी वर्ज ऑफ मोशन है, वर्ज ऑफ मोशन है, ब्लॉक चलने वाला होगा, चला नहीं है, चलने वाला है, मतलब इस, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है लिमिटिंग, इसके बाद काइनेटिक लगेगा, और इससे पहले जब फ्रिक्शन यहाँ था तो स्टैटिक लग रहा था। तो चलिए फाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें, इस ट्रायंगल में आ जाओ, तो इस ट्रायंगल में लगा दो टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का नाम रख दो, ये ट्रायंगल ए बी और सी, इस ट्रायंगल में अगर आ जाओगे तो
तो टेन फाई इस फ्रिक्स ये फ्रिक्शन के इक्वल होगा, ये वाली साइड फ्रिक्शन के इक्वल होगी, तो टेन फाई फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन दैट इज नॉर्मल, तो नॉर्मल नॉर्मल को खत्म कर दिया, म्यू एन दैट इज टेन फाई। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा इक्वल होते हैं। याद याद कर लो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अभी पिछले वाले आर्टिकल में पढ़े थे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होते हैं। इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर देखो फाई फाई की वैल्यू, अगर फाई की फाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू लिमिटिंग, ठीक है। अब इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस ये है, अब अगर फाई की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू के इक्वल है तो ब्लॉक वर्ज ऑफ मोशन पे है, चलने वाला है, फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा है। लेकिन अगर फाई की वैल्यू लेस देन है टेन इनवर्स म्यू से स्टेटिक से, तो फ्रिक्शन स्टेटिक लग रहा है और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन फाई की वैल्यू अगर ग्रेटर है टेन इनवर्स म्यू से, टेन इनवर्स म्यू स्टेटिक से फाई की वैल्यू और अधिक, इससे अधिक हो जाएगा फाई की वैल्यू, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक मोशन जनरेट हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा क्योंकि इसके बाद मोशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है वो बेसिकली आप याद कर लो, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ